अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमारे सूरह कहाफ पे काफ़ी सेशंस हैं और उसमें कमेंट्स और उसको जिस नज़रिए से हमने रखा है उसमें ये है कि लोगों के पास पहले नॉलेज है। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोगों ने ये किया है कि बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल किसी को किसी किस्म का नॉलेज नहीं है, हम उसको बिल्कुल बेसिक को माइंड में रखते हुए कर रहे हैं। तो साहिल भाई, अगर हम सूरह कहाफ का फितना दज्जाल से बचने की भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और आखिरी दौर में बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, अगर आपने शुरू से इसको बताया तो कैसे, क्यों? सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो फितना दज्जाल है उसका हर नबी ने बताया अलैहिस्सलाम, हर नबी ने हज़रत नूह से, हर नबी अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल की खबर देते आ रहे हैं। ये जब तक सूरह कहफ की बात नहीं आई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी दफ़ा पहली दफ़ा ये चाबी दी कि जब वो वक्त आएगा तो सूरह कहफ की तलावत करें। जो सूरह कहफ है इसकी जो हिस्ट्री है वो आप समझ लें ताकि आपको पता चले, किसी भी बंदे को पता होना चाहिए, हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि सूरह कहफ की बेसिक हिस्ट्री क्या है। मैं जल्दी जल्दी करके जितना छोटा करके बता सकता हूँ। यहूदियों को मदीने के बारे में पहले से पता था। अहले यहूद का सिस्टम आपको समझना चाहिए कि उनका अंबिया की लिस्टिंग कैसे करते हैं, वो किस नबी का इंतज़ार कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये मैं छोटा सा करके बताता हूँ। इसकी तफसील आपने ज़रूर पढ़नी। अहले यहूद के यहाँ ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो मूसा के बाद जितने भी अंबिया आए हैं बनी इसराइल के, वो एक आखिरी नबी की खबर देते आए हैं। ये अहले यहूद को पता है। हर शरीयत में एक आखिरी नबी का एक खातिमुन नबीन कॉन्सेप्ट है। तो ईसाई कहते हैं कि ईसा हैं बस, और उनका पूरा मतलब बाकी के अंबिया को भी रिकगनाइज करता है। इंजील में सारे अंबिया को अंबिया ही कहा गया। बहरहाल तो यहूदी जो हैं वो उस नबी का वेट कर रहे थे। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं उम्मुल मोमिनीन, जो दो टॉप के स्कॉलर्स जो थे उस वक्त के, जो दुनिया के सबसे बड़े रैबाइज थे, उनकी बेटी और भतीजी, उन्होंने अपनी हदीस भी रिकॉर्ड भी करवाई। इस वक्त सही बुखारी में वो हदीस इसी तरीके से है कि जब उनके वालिद और उनके चाचा जो थे, उन्होंने जब पहली दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूरी तरह आके इंटरव्यू लिया और फिर आगे घर आके क्या बात की, उस वक्त हर सफ़िया कहती मैं छोटी थी, इतनी छोटी नहीं थी कि मुझे याद ना हो, मुझे पूरी तरीके से पता है क्या बात हुई थी। और उन्होंने उसी तरीके से वो डायलॉग लिखवाया। वो डायलॉग किया वो मैं आपको बता दूँ ताकि आपको ये से आपको सबक समझ आ जाए, फिर मैं अहले यहूद कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उनके वालिद जो थे वो उस वक्त के टॉप रैबाई थे। उन्होंने आके कहा कि चाचा ने पूछा कि दोनों मिल के आए थे मगर लोगों के सामने बात नहीं कर सकते थे, तो घर का दरवाज़ा बंद किया और कहा कि क्या समझते हो तुम। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि ये बंदा वही है जिसका हमें बताया गया। और जो चाचा थे उन्होंने कहा कि आर यू श्योर, बिल्कुल सही तरीके से तुमने इसका अंदाज़ा लगाया? तो वालिद साहब ने कहा हाँ मैं बिल्कुल श्योर ये वही है। और फिर चाचा ने कहा मासूम तरीके से पूछा कि फिर हम बैत कर लेंगे इस पर? तो उनके वालिद ने कहा नहीं, कभी भी बैत नहीं करूँगा। समझ रहे? इसके ऊपर अल्लाह ताला ने फिर आयत नाजिल फरमाई कि ये तुम्हें ऐसे ही पहचानते हैं जैसे बाप बेटे को पहचानता है। इस आयत का ये सयाग व सबाक है। और क्यों नहीं उन्होंने किया ये एक अलग बहस है, इसका दज्जाल से इतना ताल्लुक नहीं है, वो एक किसी और दिन करेंगे हम। मैं आपको ये बता दूँ कि वो ढूंढ क्या रहे थे, उन्होंने आगे पूछा क्या था। यहूदियों ने मदीने में आने का जो सफ़र था ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले का कर रखा था। यह सलमान फारसी के किस्से से बड़ी तफसील से पता चल जाता है कि सलमान फारसी जो थे वो ग़ुलाम बना लिए गए थे और एक यहूदी के यहाँ ही काम करते थे, और वहाँ से उनको खबर मिली कि यहूदियों के उसी उनके जो मालिक थे उसको खबर आई कि वो एक नबी का ऐलान हो गया। वो बड़े एक्साइटेड होकर गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो जाके उन्होंने पूछा क्या था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने जाके पूछा, मैं इसी तरह बताता हूँ आपको, फिर बाद में उसकी तफसील करूंगा। उन्होंने कहा कि सूरह कहफ सुनाओ। अब उन्होंने कहा नहीं है क्योंकि सूरह तो नाजिल नहीं हुई थी, मगर उन्होंने जो तीन सवाल किए उसके जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ नाजिल फरमाई। अब ये बहुत गौर से सुनना है आपने। अब उन्होंने कहा कि रूह क्या होती है वो बताओ, नंबर दूसरा सवाल है ज़ुल्क़रनैन का किस्सा बताओ, और नंबर तीसरा सवाल है असहाबे कहफ की तफसील बताओ। और समझने वाली बात है कि यहूदी ने ये सवाल क्यों किया था फर्स्ट इंटरेंस पे। अब इससे थोड़ा सा पहले आते हैं
कि वो मदीने में पहले क्यों आए हुए थे। हमें ये तफसील पता चल जाती है इस्लामिक टेक्स्ट के साथ के यहूदियों को अपनी कुतुब में ये बताया गया था बड़ा क्लियरली कि निशानियां क्या हैं उस जगह की जहां पे नबी ने आना है। ये भी पता था कि वो निशानी क्या है उस नबी की जिसने आना है। ठीक है, ये हमें हज़रत सलमान फारसी के किस्से से बहुत अच्छी तरीके से साफ साफ समझ में आ जाती है कि ईसाइयों को भी पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना। अब मैं भी इस तफसील में भी नहीं जाऊँगा, ये भी आपको सीधा पढ़नी पड़ेगी। मैं इस वक्त दज्जाल के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि हमें ये पता है कि इस्फहानी यहूदियों में से दज्जाल ने आना, ये हदीस है। फिर लुद पे उसका मुकाबला होना है ईसा अलैहिस्सलाम से, वो भी इसराइल में यहूदियों की तरफदारी करनी है उसने, ये भी हमें पता है। ये इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि हमें ये पता हो कि अहले यहूद का कॉन्सेप्ट क्या था। वो उस नबी का वेट कर रहे थे, उनको उस जगह की भी निशानियाँ पता थी कि वो जो दो वॉल्केनोज के बीच में एक ऐसा बाग है पाम ट्रीज का, उसके बीच में एक शहर होगा, फलां फलां और भी बड़े मामला थे। मगर हम इसको बहुत ही बस कैजुअली देख लेते हैं। हमें ये निशानी पता होनी चाहिए कि दज्जाल ने यहूदियों की साइड क्यों ले ली, ये पता होना चाहिए। यहूदी हमेशा से उस नबी का वेट करते आए, और यहाँ तक कि वो जिस बंदे को भी शायबा होता था कि ये है, उस पे जाके वो फिर सूरह काफ की तलावत मतलब है क्वेश्चन करते थे। सो ये दज्जाल की क्विज है, दज्जाल को टेस्ट किया जाए। दज्जाल तो हम कहते हैं, वो मसीह कहते हैं, कि मसीह का टेस्ट क्राइटेरिया था कि जिसको ये टेक्नोलॉजी पता होगी, इस टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म होगा, तो वो हमें फिर बचा के दुनिया की सरदारी दे देगा। यही है उनका बेसिक मजहब। और ये जो दुनिया की सरदारी उनको चाहिए, वाकई थी, अल्लाह ताला ने उन्हीं को सरदारी दी थी, बनी इसराइल के पास ही सरदारी। और ये वही सरदारी एंड में चाह रहे हैं, और दज्जाल वही सरदारी आके इनको आखिर में आके देने की कोशिश करेगा, देगा भी, एक वक्त तो आएगा हदीसा तक तो उसके पास ही होगी सरदारी। तो पॉइंट ये कहने का कि जो अहले यहूद का कॉन्सेप्ट है ना नबूवत का, आखिर खत्म नबीन का, वो बहुत एहतियात से समझने की जरूरत है। उससे हमें पता चलता है कि सूरह काफ की क्या वैल्यू। तो सूरह काफ के लिए अहले यहूद के पास पहले से इल्म क्या था कि असहाबे काफ के साथ क्या हुआ। हम ये सोचते हैं कि उन्होंने ये कहा कि अगर तुम नबी हो तो तुम्हें असहाबे काफ का पता होगा, तो इसका ये मतलब है कि तादाद पता होगी और वो वाक्य और स्टोरी पता होगी। स्टोरी में तो कोई ऐसी बात नहीं, स्टोरी के अंदर जो एक्स्ट्रॉर्डनरी हकीकत है वो उसके ज़ाहिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने खाली कहानी नहीं सुनाई ना, पूरा का पूरा किस्सा जिस तरीके से अल्लाह ताला ने देखा है वैसे ही अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से इल्म दिया जा रहा था जिब्राइल के थ्रू। सो असहाबे काफ का जितना भी मामला हुआ है, वो 300 साल कैसे एक ही दिन में सोए हैं, टाइम ट्रेवल कैसे कर लिया उन्होंने, ये पूरा का पूरा टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट अहले यहूद चाह रहे थे कि उस नबी को पता होगा तो हमें भी करवा देगा। इसका सबूत यह है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पहली निशानियों में से एक निशानी बताई है कि वो टाइम को स्ट्रेच करेगा, एक दिन उसका एक साल का हो, उसका एक दिन एक साल का हो। असहाबे काफ का एक दिन 300 साल का था, समझ रहे? अगला दिन माह का होगा, फिर अगला दिन हफ्ते का, फिर अगला दिन एक दिन का होगा। ये पूरा असहाबे काफ का ही एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। वो क्या टेक्नोलॉजी है? जाहिर है वो साइंस की टेक्नोलॉजी तो नहीं है, वो बेसिकली तो पोर्टल की टेक्नोलॉजी लगती है। सो अहले यहूद वो वसी ढूंढते ढूंढते आए, और उन्होंने कहा कि हमें बताओ अगर तो तुम नबी हो तो फिर तुम्हें इन दो तीन चीज़ों का पता हो। दूसरी क्या चीज़ है? ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सूरह काफ में उसी तरीके से तफसील से पता है, और ज़ुल्करनैन ने भी अब दो पोर्टल्स खोली हैं और वो तीन अलग अलग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मामला करके आए, इंटरगैलेक्टिक सफ़र करता था, और यही वो चाहते हैं। ये इसका सबूत भी तमीमुद्दारी के हदीस से कि वो किस पोर्टल से एंटर हो गए थे। ये मुसलमानों की पता नहीं क्यों साइकोलॉजी में बताया नहीं गया कि हर बंदे को पता है कि दज्जाल ने हदीस के थ्रू एंड ऑफ टाइम में आना है, क़यामत की निशानियों में से एक है दज्जाल, तो एंड ऑफ टाइम में आना है। तो तमीमुद्दारी तो एंड ऑफ टाइम में नहीं थे ना, वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, तो फिर वो उनको कैसे मिल गए हैं? ये तो फिर अर्ली टाइम में आना था ना, निशानी तो यह ही नहीं कि अर्ली टाइम में, निशानी तो आखिरी के टाइम में आना। इसका मतलब है कि उसने वो टाइम ट्रैवल किया, इसका मतलब ये है कि यहूदी वाकई उस टाइम ट्रैवल को तो परखने के लिए आ रहे थे। अगर तू है तो तुझे पता होना चाहिए कि फिर वक्त को कैसे, वक्त के साथ कैसे खेलते। ये बड़े इत्मीनान से सोचने वाली बातों में से एक है कि अहले यहूद के अंदर ये जो नबी का इंतज़ार है और उनके इन सवालों के अंदर क्या ऐसा राज छुपा होता, वो सूरह काफ बताती।
इसलिए इमाम नववी ने कहा है, इमाम नववी ने बड़े एहतियात से अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि जो सूरह कहफ के अंदर गौर करेगा उसको वो निशानियां मिल जाएंगी जो दज्जाल के वक्त उसको बचाएंगे। ये बाद के जो सहाबा के बाद जो दौर गुजरा है सहाबा के फौरन बाद, उन सबको ये बातें ऐसे ही पता थी जैसे मैं इस वक्त कर रहा हूँ। ये बाद में फिर री इंटरप्रेट हुई है सारी बातें, जब नई जबानों में तर्जुमे हुए हैं या पता नहीं कहाँ पे हुआ है, या मंगोलों ने हमला, तातारियों ने हमला किया शायद उसके बाद का वाक्य है। मैं अभी तक तारीख की उस इल्म में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये री इंटरप्रटेशन कब हुई है, क्योंकि सहाबा तो ज़ुल्करनैन को भी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन बींग ही मानते थे, यहाँ तक फरिश्ता तक समझते थे। और असहाब काफ के बारे में भी किसी और राय का इंतखाब किया और असहाब कराम ने बारह, ये है कॉन्टेक्स्ट कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इशारा फरमाया कि दज्जाल के वक्त सूरह कहफ पढ़नी, तो वो ही सूरह कहफ यहूदियों ने जो पूछी थी उसको उसी तरीके से वहीं पर लिंक करें, ये वहां लिंक आएगा तो बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि दज्जाल का ताल्लुक तो जो पहली 10 आयतों का ताल्लुक है वो तो ईसाइयों के साथ है, यहूदी तो अल्लाह का बेटा नहीं मानते, पहली 10 आयतें तो बेटा के बारे में सूरह कहफ की जो पहली 10 आयतें, मगर दज्जाल के साथ यहूदियत को अटैच कर देना इस्लामिक साइकोलॉजी के अंदर, ये कितनी बड़ी क्रिटिकल की है हमारे लिए कि ऐसा क्या करेगा। अब मैंने चूंकि बाइबल पढ़ी है और स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने तीनों वर्जन पढ़ लिए, तो बाइबल ये कहती है कि दज्जाल जो है वो एंटी क्राइस्ट से कहते हैं, वो शुरू में थर्ड टेम्पल के अंदर अपना किंगडम क्रिएट कर देगा, जहां तक के वो इस किस्म के काम करेगा कि सारे के सारे उसके ताबे होंगे, टिल ही कमिट्स द वन सिन दैट इज नेवर अलाउड, और वो है इंसेस्ट। बाइबल ये कहती है कि तब तक हम उसको बादशाह मानेंगे जब तक उसने चर्च में इंसेस्ट का लॉ पास करवा देना, जैसे ही वो इंसेस्ट का लॉ पास करवाएगा अहले जो नसारा हैं वो उस वक्त डिक्लेयर कर देंगे कि तू नहीं हो सकता क्योंकि तूने बाइबल की फर्स्ट कमांडमेंट्स में से एक कमांडमेंट को तोड़ दिया, तू कैसे अल्लाह का बंदा है जिसने गुनाह कबीरा को लेजिस्लेशन में डाल दिया। सो तब तक वो डिक्लेयर नहीं होगा एंटी क्राइस्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बाइबल भी इसराइल के ऊपर ही फोकस करवा देती है, चाहे वो ईसाई हो या ना हो, कराती वो इसराइल पे ही फोकस है और थर्ड टेम्पल का वेट ही करते हैं वो। तो यहूदी शुरू से ही थर्ड टेम्पल के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इसी बेस के ऊपर सब हैरान हैं कि हज़रत सफिया के वालिद ने क्यों कहा मैं नहीं बैठ करता। ठीक है, इसमें ये बात निकल आती है कि वो हम निकाल सकते हैं एक तावील के, चूंकि उनको पता था कि ये तो बाकी ये कॉन्सेप्ट जो है ना इस बंदे के वो हमारे फायदे में नहीं जाते, तो हम इसकी बैत नहीं करते, हम तो सरदारी चाह रहे हैं, ये तो एक मसावी किस्म की बात कर रहे हैं, हर एक को इक्वल वो दे रहे हैं, जेंटाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पास। तो ये मेरी राय, बहरहाल ये बात है बहुत हैरत की कि एक बंदा दज्जाल का वेट करता हो और दज्जाल वाली टेक्नोलॉजी जो है वो उसको पता चल जाए कि हाँ ये आखिरी नबी तो यही है, तो फिर वो क्यों ना माने। तो उसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि उनको पता चल गया था कि इस बंदे ने वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया फतह नहीं करनी, ये तो किसी और टेक्निक से दुनिया को फतह करने की बात कर रहा है, और वो क्या है, इस्लाम। हमने सो इसे बाद मतलब ये गौर की बात है कि दज्जाल ने फिर ये दावत का काम नहीं करना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो काम नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज दीज पीपल वुड हैव सेड कि हाँ हम आपकी बात करते हैं, क्योंकि सुन ली थी ना उन्होंने, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने भी जो जवाब दिया वो इस लेवल पे जवाब दिया कि तुम्हें क्या पता है कितने बंदे थे, तुम समझते हो तुम्हें कि इतने बंदे थे, 8 थे या 10 थे या 12 थे, ये सिर्फ अल्लाह को पता है, ये तुम अपनी तरफ से ये समझ लो कि तुम्हारे पास है नॉलेज, ये हमारे पास है नॉलेज। सो इसके अंदर एक और चाबी भी है कि द नंबर ऑफ पीपल ऑफ असहाब काफ ऑल्सो सिग्निफाइज, ये भी पता चलना चाहिए हमें कि क्या नोमेरिक्स के अंदर बंदों की पोर्टल में एंट्री एंड एग्जिट का भी कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। बहरहाल ये निजी बहस। सो ये है बेसिक सियाक और सबाक इस बात का कि सूरह कहफ का दज्जाल से क्या ताल्लुक है, ये अहले यहूद के उस कॉन्टेक्स्ट से नजर आता है कि जो वो जहां पे दज्जाल ने अपना एंड करना है। तो दिस इज सूरह कहफ। और सूरह कहफ क्या है, सूरह कहफ असहाब कहफ का वाक्य है, ठीक है, और सूरह कहफ ज़ुल्करनैन का वाक्य है, खिदर और मूसा का वाक्य है, दो बाघों वाला वाक्य है, और फिर रीइटरेशन आखिरी रुकू में कि ये शिर्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, मैं तुम ही जैसा बंदा हूँ, आखिरी आयत सुना रहा हूँ, सिवाय इसके कि मेरे पे वही होती है, आना
बशरुम मिसलुकुम, कि तुम जैसा बशरुम है सिवाय इसके कि मेरे पे वही होती है। तो शिर्क ना कर लेना, आखिरी आयत का आखिरी लफ्ज है कि अल्लाह ताला की अबादानियत जो है ना वो है असली अबादानियत। सो क्योंकि 10 आखिरी आयतों का भी हदीस में जिक्र है, तो इसका मतलब है कि रिजाल की जो कहानी है वो खुदाई दावे के ऊपर ही है। और अगर खुदाई दावा ना भी हुआ तो शुरू में वो बेटे का दावा करेगा और एंड में खुदाई का दावा करेगा। शुरू की जो 10 आयतें हैं वो ईसाइत के बेटे के दावे वाली आयतें, और आखिरी जो 10 आयतें वो फिर अहले यहूद के उस दावे की आयतें हैं कि जिसमें वो इसको वो वाली एट्रीब्यूट्स देंगे जो अल्लाह ताला को ही दे सकते हैं। हम अली हज़रत खिजर का वाक़ा है, इसमें ज़ुल्करनैन का वाक़ा है और असहाबे कहफ का वाक़ा है, तीनों बिल्कुल एक अलग वाक़ात है। इन तीनों में क्या चीज़ है जो कि हमें समझते हैं या क्लिक करते हैं या जानते हैं? अच्छा सवाल है। ये तीनों में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, और वो ये कि ये ज़मीन के किसी भी उस लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हमें नज़र आते हैं, जो पोर्टल है वो भी लॉज ऑफ फिज़िक्स की पूरी करती हैं, मगर ये जो विजिबल डायमेंशन है ना इसके, इसको तोड़ा है तीनों ने। ये जो हमारे सामने विजिबल डायमेंशन में काम हो रहे हैं ना, इसको असहाबे कहफ ने तोड़ा और लोग शशदर रह गए, और फिर ज़ुल्करनैन ने तोड़ा, ठीक है, और तीन दफ़ा तोड़ा, और फिर खिजर ने भी वही तोड़ा। मशीन ने पहले सुरंग बनाई, सुरंग कहाँ पर बनाई, इस डायमेंशन में सुरंग बना के निकली ना, पोर्टल बनाई, लिटरली लफ्ज है पड़ा पकड़ा, मतलब अल्लाह ताला ने बताया इससे वो बेहतर और क्या बनाए बताए कि पोर्टल खुली, मछली गई वहां से, फिर वो भी एंटर हुए और खिजर मिले, और खिजर ने फिर क्या क्या कारनामे करके दिखाया उनको। ये सब इंटर डायमेंशनल सिमिलरिटी के तीनों के तीनों चैप्टर। सो इट इज इट्स अ मैटर ऑफ, और ये चौथा जो चैप्टर है बाघ वाला, ये दजाल के ऊपर कड़ी जरब है, क्योंकि दजाल ने देने बड़े बड़े बाघ वाले के ऊपर थोड़ा क्या मतलब सूरह काह में दो बाघ का जो किस्सा है ना, कि एक बंदा जो है उसके पास बहुत वसी बाघ है और दूसरे को तंज करता है कि तू नाहल आदमी है, तुझे मैं बड़ी चीज हूँ, मुझे बड़ी चीजें मिली हैं, छोटा आदमी कहता है यार अल्लाह की देन है, तुझे कहाँ से मिल गई चीजें, जिसने अल्लाह ने जिसको दे दी दे दी। ये कॉन्सेप्ट रिस्क के कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छी तरीके से क्लियर करता है, और दज्जाल ने रिस्क को एक एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करके बड़े लोगों को फैलाना पसंद है। तो वो रिस्क ये वाला नहीं है कि उसको माल दौलत खाली दे दी, वो वाली पावर भी देनी है दज्जाल ने, तो वो जो भी पावर उस दे सकता है, तो ज़ाहिर है नाइब तो बनाएगा ना आके। तो उस वक्त के लिए मुसलमानों को ये बताया गया है कि दज्जाल ने अगर कोई, क्योंकि हदीस बड़ी क्लियर है कि वो एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोजख लेके फिर रहा होगा, आपने उसकी दोजख जो आग का दरिया और जन्नत, तो आग के दरिया में तुमने छलांग लगानी है। तो सूरह काहफ में छोटा बाग है ना, वो ये निशानी है कि ये ना हो कि तुम देख लो कि वो बड़े बड़े बाग दिखा रहा है, ठीक है, ये सस्टेनेंस रिसोर्स की बात हो रही है। दज्जाल ने जो रिसोर्स और पावर देनी है लोगों को, बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाने के लिए कहा है यहाँ पे अल्लाह ताला ने, कि रिसोर्स और पावर एंड अथॉरिटी एंड सस्टेनेंस सिर्फ अल्लाह ताला का मामला है, जिसको जिसको दे दिया। ये तो हमारी लेटर ऑन साइकोलॉजी में डाला गया कि टेक्निक इस्लाम का हिस्सा है, टेक्निक इस्लाम का हिस्सा नहीं है, टेक्निक की सेंस भी अल्लाह ही देते हैं। नहीं तो जितने लोग इस वक्त IQ अच्छा रखते हैं सबको बिलियनियर होना चाहिए था, हमें ज़्यादातर बिलियनियर तो बिल्कुल भी IQ नहीं रखते, ऐसे ऐसे डिसीजन बिलियनियर भी लेते हैं जो कि और मैं भी लेके दिखाऊं तो सड़क पे आ जाऊंगा, मगर वो नहीं आते। ये सारे मामला बड़े, इट्स अ टोटली डिफरेंट डिस्कशन, इट्स अ टोटली डिफरेंट फ्लूइड डायनामिक्स इसके थ्रू अल्लाह ताला रिस्क का मामला कर रहे हैं। सो ऊपर से बाघ की तो कहानी क्या करनी है, जहाँ बारिश होगी तो अल्लाह ने बारिश देनी है, तो खेती होगी। सो अल्लाह ताला ने इसको एज अ बड़ा क्लियर एग्जाम्पल देके बताया कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, जो जो मामला अल्लाह ने कभी भी इंसान को नहीं दिए, जैसे कि मौसम, जैसे कि खेती, जैसे कि उसकी फर्टिलिटी, ये सारे कभी भी इंसान के पास नहीं आए, ये अल्लाह ताला ने ऐसी बेसिस अपने पास रखी हुई है कि ये दुनिया की जितनी भी इकॉनमी आगे चली जाएगी, अगर ये वाले 3-4 क्रिटिकल फैक्टर्स जो हैं ये अल्लाह ताला हल्का सा भी हिलाते हैं तो बाकी की सारी इकॉनमी को ज़ीरो से ज़र्ब दे देंगे आप। सो वी हैव टू बी अ वेरी क्लियर बिलीवर कि बड़ा बाप तुझे दे देगा दज्जाल, तो खैर है, हमें अल्लाह ने बता दिया कि वो ले भी लेता है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। सो ये चौथा उसका चैप्टर, बाकी तो सारे चैप्टर इंटरडिमेंशनल ही हैं। मेरा अपना गुमान ये है कि ये भी इंटरडिमेंशनल किस्सा ही है, मगर बारा चूँकि ज़ाहिर ऐसा नहीं है तो इसमें क्या ज़बरदस्ती की तावीलात निकालनी। हम वन बाय वन इन वाक़ात में ऐसी बातों को जो आप इंटरडिमेंशनल और इंटरगैलेक्टिक करते हैं उनको डिस्कस करते हैं कि इस
क्या जैसे जुल्कनैन में कित कब इंटर डायमेंशनल गया, क्योंकि उसको आपको यानी हम सुनते हैं इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है, और ये कहाँ से यानी आप जब ये क्लेम करते हैं तो आप कहाँ से ये बात उठाते हैं, क्योंकि देखें ये आपके इंटरप्रिटेशन में ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये आपकी मैं आपकी मैं कह रहा हूँ अब नहीं एग्जिस्ट करता और आप ये क्लेम कर रहे हैं अभी आपने थोड़ी देर जी जी बिल्कुल भी पहले भी करता था ये यहाँ ये मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। पहली बात तो ये कि असहाबे कहाफ से शुरू करें ना, ज़ुल्कर्नैन तो बाद में आए, असहाबे कहाफ का ये किस्सा क्यों क्यों टाइम ट्रेवल के ऊपर नहीं बात होती, जब असहाबे कहाफ ने खुद कह दिया आयत में कि एक ने दूसरे से कहा कि कितनी देर सोए हो, तो दूसरे का एक पहर या उससे भी कम, हालांकि 309 साल सोए हैं वो, मगर उनको नहीं लगा। साथ ही अल्लाह ने बताया कि हम इसको साथ साथ करवट बदल रहे थे इनकी, इसका मतलब है कोई ये मेटाफोर और सिमली नहीं अल्लाह ने बोली, कोई निकालना चाहे तावील के लिए तो अल्लाह मिसाल देना चाह रहे, असल में ये नहीं हुआ था, अल्लाह ने लिटरल इन्हीं अल्फाज ने बताया कि करवट वाले कॉन्सेप्ट में बता दूं कि किसी किस्म की कोई और मतलब ना ले लेना, दीज गाइज डिड स्लीप फॉर 309 ईयर्स। लेकिन देखिए हम रात को सोते हैं सुबह एकदम उठ जाते हैं, फिर कुरान में अल्लाह ताला जगह जगह पे जिक्र करता है कि जब आखिरत में उठाए जाएंगे क़यामत के दिन, तो जो उनमें जिसके पास ज़्यादा इल्म होगा उससे जब पूछेंगे वो कहेंगे कि हम कितने अरसे सोए रहे हैं, हालांकि कितने हज़ारों साल मुमिनीन के लिए कहा कि बस अभी सोए थे, बस अभी सोए थे। तो ये तो यानी इससे हमें ये तो नहीं पता चलता कि टाइम ट्रैवल का जिक्र हो रहा है आखिरत में, तो मरने के बाद उठने की बात हो रही है, वो तो ज़ाहिर है टाइम ट्रैवल ही है, ठीक है वो मैं आता हूँ उसके ऊपर, वो एक अलग बहस है कि वो टाइम ट्रेवल कैसे, तो वो तो जाहिर है टाइम की क्या से तो आज़ाद हो गए जब हम मर गए, तो ये लोग दुनिया में ही सोए और दुनिया में ही उठे, ये आखिरत में नहीं उठे, ये दुनिया में ही सोए दुनिया में ही उठे, और इसका मिसाल इसकी मिसाल किया कि जब वो गया खाना लेने तो लोगों ने कहा कि ये कहाँ से सन का सिक्का लेके आ गए हो हमारे पास, हमने ये अपने वक्त के तजाल से भागे हुए थे और पहाड़ का रुख किया था और गार में जाके बना ली थी उन्होंने। अपने वक्त के दजाल से क्या मुराद है आपको? उस वक्त का जो टायरेंट किंग था ना दजाल ने भी अपने वक्त का टायरेंट किंग होना, ठीक है वो प्रेशर होना ना, वो अपने दीन पे लेके आना चाह रहा था, ये लोग अल्लाह के दीन पे थे। सो कहानी मकसद ये कहने का कि दीज गाइस आर अ वेरी क्लियर, इससे बड़ी क्या एग्जाम्पल है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया, जब अल्लाह ने कह दिया कि ये इतने 100 साल सोए हैं और इनको पता भी नहीं चला, और अगर तुम इनको देख लेते तो तुम खौफ तारी हो जाता तुम्हारे ऊपर जिस हालत में ये थे उस गार के अंदर, समझे? खौफ से क्या मतलब? वो तो उस कुत्ते के बारे में इरशाद था ना जो के गार के बाहर, नहीं कुत्ते के बारे में सिर्फ एक इरशाद है कि कुत्ता जो है वो बाहर उनका पहरा दे रहा था जी, ये उस कुत्ते से पहले अल्लाह ने बता दिया कि जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि जब ये सो रहे थे अल्लाह ने इनको इनके कानों पर ज़र्ब लगा के सुला दिया, और अगर फिर तुम उनको देखते इस हालत में तो तुम्हारे ऊपर खौफ तारी हो जाता, ये तो कुत्ते के कोई ताल्लुक नहीं इस बात से, एक्चुअली कुत्ता वाज द वन ऑफ द मेनी नॉर्मल थिंग्स दैट वाज गोइंग ऑन। नहीं लेकिन उसको गार के दहाने पे बिठाने की मसलहत क्या थी? वो यही थी कि वो शायद इतना खौफनाक था कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी गार के अंदर झांक के देख ले कि अंदर है क्या। नहीं मगर उन्होंने उन बंदों के बारे में कहा ना कि आप इन असहाब को देख लेते, इनको देख लेते तो तुम पे खौफ आ जाता, कुत्ते का जिक्र नहीं यानी कुत्ते का जिक्र, इनको देख लेते, मगर कुत्ते की मेरे ख्याल से मस्जिद है, कोई और कहीं और चली जाएगी बात कि जहाँ पे भी पोर्टल दुनिया में इस वक्त पाई जाती है ना जो पुरानी पोर्टल नजर आए उनके आगे कुत्ता ही बैठा है अभी तक, अब वो कोई है निशानी कुत्ते के अंदर, कहानी है लंबी वो किसी और दिन की बहस है, इस वक्त असहाब कहफ भी रहे ना कि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट असहाब कहफ में रहा तो बिल्कुल रहा, तो 300 साल तो ट्रेवल किया हमने, तो क्या वो गार एक पोर्टल की हैसियत रखती है? हाँ इस केस में तो रखती है, क्या अल्लाह ताला ने ये टेक्नोलॉजी भी बताई कि किस तरीके से ये काम हो सकता है? हाँ बताई, कानों पे जर्ब लगाने की बात की, कानों पे जर्ब कैसे लगाते हैं? लोगों ने बकायदा कानों पे मुक्का मारा थप्पड़ मारा के तर्जमे किए हुए, लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग हमें मिलता है वो ये है कि वाकई में 300 साल इस दुनिया के गुजर गए और वो लोग गार में ही थे, और अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में ये बयान किया कि उनकी करवटें भी बदलता था, वो एक नेचुरल है कि इंसान का जिस्म जब किसी एक ही पोजीशन पे ज़मीन पे पड़ा हो तो सोर्स आने शुरू हो जाते हैं, डिके होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए करवट लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये मतलब क्यों नहीं लिया इसका
और ये मतलब क्यों लिया कि वो एक बिल्कुल एक नई डायमेंशन में चले गए। तो क्या वो नई डायमेंशन में फिजिकली गए थे, तो फिर इस सेंटेंस की जरूरत क्या थी बयान करने की, कि वो तो फिजिकली एक नई डायमेंशन में चले गए जहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक डिफरेंट है और उन्होंने वहाँ पे शायद हार्डली कुछ घंटे गुजारे हों, या वाकई में वो एक डिफरेंट टाइम जोन था। अगर वो एक डिफरेंट टाइम जोन था तो फिर ये करवटें लेने का जिक्र क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने तो वाकई में 8 घंटे ही गुजारे जिसमें करवट लेने की शायद जरूरत ही नहीं थी, और बाहर जो टाइम जोन बिल्कुल डिफरेंट था, बाहर 300 साल गुजर गए, अंदर सिर्फ 8 घंटे गुजरे, इसके बारे में जरा बताएं। ठीक है, अगर तो वो उठे होते ना और उन होश में 1 घंटा भी गुजारा होता किसी और जोन में और यहाँ पे वो 300 साल गुजरे होते तो फिर तो मैं समझ सकता था। अब चूंकि इस केस के अंदर वो सोए इसी जमीन पे हैं, ये तो सबूत है कि करवटें बदली जा रही होंगी। अब इस जमीन के ऊपर जब सोए हैं तो इस जमीन के ऊपर 300 साल गुजरने का मतलब यह है कि फिर बाकी के मामला भी उनके जिस्म के साथ इन्हें 300 साल वाले होने चाहिए थे। अल्लाह ताला ने कहा करवटें बदल, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इनके नाखून कटवा रहा था और बाल कटवा रहा था, समझ रहे? बंदा 3 महीने भी सोए तो उठता तो उसकी दाढ़ी बड़ी होती है और नाखून बड़े होते, तो जब वो 300 साल सोने के बाद जब उठे हैं तो एक दूसरे को उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने, उन्होंने कहा कि अभी सोया था आधे आधे पहर का, समझ रहे? इसका मतलब है कि वो इसी दुनिया में इसी डायमेंशन के अंदर क्योंकि जमीन पर ही थे वो 300 साल का टाइम ट्रेवल कर गए वो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अदर इफ दे जुल्करनैन ने अपने होश में खुद ट्रेवल करके पूरा वक्त गुजारा, हमें इन्होंने अपने होश में नहीं गए, अल्लाह ने इनको सुलाया, इनको वो निशानी नहीं दिखानी थी अल्लाह ने, समझ रहे? वरना अल्लाह ताला ने ये लोगों को निशानी दिखाती ना, हमें निशानी दिखानी थी, इनको निशानी दिखानी होती तो मूसा की तरह खिजर के से मुलाकात करके पोर्टल में एंटर होते, या जुल्करनैन की तरह निशानी देखी, या फिर और निशानी। सो इन दिस केस सिंस देयर बॉडी वॉज इन द फॉर्म के वो जिस फॉर्म में सोए हैं उसी फॉर्म के नाखून उसी फॉर्म के बाल उतनी शेप उतनी दाढ़ी वही कपड़ों के ऊपर कोई डस्ट नहीं, सब कुछ फरिश्ते जो हैं उस वक्त उनकी टेक केयर कर रहे हैं, कैसे करवट बदल रहे हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर एक बहुत बड़ी निशानी है कि वो करवट क्यों बदल रहे हैं, समझे? वो करवट इसलिए बदल रहे हैं कि दुनिया में ही एक पोर्टल के अंदर वो 300 साल का टाइम ट्रेवल कर गए, अगर वो किसी और चले जाते और वापस आते तो भी करवट बदलने की जरूरत नहीं थी ना, आधे घंटे में क्या करवट बदलनी किसी की, समझ लें कि वो किसी और गैलेक्सी में भेज दिए गए, समझ लें, तो वहां पे आधा घंटा ही सोएंगे, यहां पे 300 साल गुजर जाएंगे, समझ गए? तो फिर फरिश्ता अपनी करवट ही नहीं बदलेगा। कुरान में क्या कहा कि कितने अरसे सोए हैं उन्होंने आपस में? 309 साल। 309 साल तो एक्चुअली वो सोया ना, लेकिन जब उठते हैं तो आपस में क्या डिस्कस, एक पहर सोया या उससे भी कम? एक पहर से क्या मुराद है? कि मतलब 6 साल अगर मिसाल के तौर पर अक्सर दिन को 3 पहर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो 3 पहर का मतलब 8 घंटे का एक पहर हो गया, 8-8 घंटे के 3 पहर हो गए। दिन का एक पहर का मतलब है कि 8 को भी स्प्लिट करेंगे ना, रात के 3 पहर हैं, दिन के भी 3 पहर हैं, 2 पहर को हम मिडिल ऑफ द डे कहते हैं ना, 2 पहर गुजर गए, समझ रहे? तो 4 और 4 घंटे तो 3 घंटे बस इतने सोए। कहने का मकसद ये है कि इस सवाल को दोनों तरीके से देखना पड़ेगा हमें कि डिड दे ट्रैवल आउट, नो ऑफ कोर्स दे डिडंट ट्रैवल आउट, अल्लाह ने कह दिया कि वो इधर ही है, फरिश्ता इनकी करवट बदलता है, ठीक है। ये एक और रवायत में मैंने बड़ी तफसील से पढ़ा है, उसकी सेहत पे जरा सा शक था मगर रवायत ये थी कि जब असहाबे कहफ का जो बंदा खाना लेके वापस आया ना तो लोग पीछे साथ आए थे, जब वो साथ आए तो देखा कि अंदर सब मरे हुए पड़े, ठीक है। ये आगे से इसकी एक्सटेंशन है, कुरान में चूंकि नहीं है तो मैं इस बारे में इस बात क्या करनी अभी, और वो पूरी की पूरी रिवायत के ऊपर सेहत पे भी काफ़ी लोगों ने उस पर जद लगा दी हुई है तो मैं वाला कोट नहीं करता। बहरहाल द पॉइंट इज अगर वो रात को इधर ही सोए और उनको इधर ही 300 साल गुजरवाने थे तो बॉडी उनकी किसी तरीके से प्रजर्व की जा रही थी, इसको करवट बदलने के उसमें लाएंगे हम, अदरवाइज देर वॉज नो वे कि फरिश्ता उनकी, असल में फरिश्ता उनकी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी कि हमारी जिस्म का एक हार्मोन है इसको GTX कहते हैं, GTX करता क्या है, वो बॉडी के तमाम सेल्स को रीग्रो करता है, क्योंकि हर सेल मर रहा है ना, हर सेल की उम्र है, तो जो GTX है वो अगर रुक जाए
ठीक है, तो बॉडी उसी वक्त एज इज जो है ना वो रीग्रो नहीं करेगी, तो नाखून भी नहीं बढ़ेंगे, बाल भी नहीं बढ़ेंगे, दाढ़ी भी नहीं बढ़ेगी, कुछ भी नहीं होगा, बट स्टिल डाइंग मैकेनिज्म फिर भी ऑन रहेगा. जो मर रहे हैं वो तो मरेंगे, GTX मरे को नहीं कुछ कहते. सो मोर देन अ मिलियन सेल्स खाली ब्रेन में रीग्रो करता है GTX पर मिनट, मोर देन अ मिलियन सेल्स पर मिनट रीग्रो करता है GTX. यहाँ पे थायराइड कहते हैं इसको. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इतना आसान नहीं है कि हम कह दें कि ओ जी ये हुआ था तो वो हुआ था. अल्लाह ताला ने बात जितना बताना था वो ये कि हिंट ले लो कि 309 साल तो दुनिया में उन्होंने ऐसे 4 घंटे में गुजारे हैं. इस पे तो कोई शक ही नहीं ना कि वो दुनिया में गुजारे हैं. अब वो पोर्टल में गए हैं कि नहीं गए, वो पूरी की पूरी गार पोर्टल थी कि नहीं थी, मेरा पूरा गुमान इसके ऊपर ये है, वल्लाहु आलम, सिर्फ अल्लाह को पता है कि वो गार इटसेल्फ ही पोर्टल है और उस पोर्टल में ही रहे वो. अगर वो कहीं और ट्रैवल करना होता तो उठे रहते तो वो कहीं तो निकल जाते, मगर चूंकि अल्लाह ताला ने उनको किसी साउंड वेव के थ्रू, साउंड वेव के थ्रू उस पोर्टल को टाइम ट्रैवल करवाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कानों पे ज़र्ब लगाइए, तो कानों पे ज़र्ब साउंड वेव का मतलब लेंगे हम इधर. मैं तो यही लूंगा, इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस कि 309 साल ट्रैवल कराने तो कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होगी उसमें, तो वो दरअपना अजानीम का मतलब है कान पे ज़र्ब लगाइए, वो साउंड ऐसी क्रिएट की है उन्होंने. ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा मतलब ये लेना पड़ेगा कि किसी को टाइम ट्रैवल कराना है तो कान में मुक्का मार दो, किसी न किसी एंगल से वो प्रिजर्व हो जाएगा. हो सकता है, आई डोंट नो, मगर इट मेक्स वे मोर सेंस कि हम उसको इसी मतलब में लें कि साबे काफ को अल्लाह ताला ने ऐसी एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के थ्रू गार के अंदर, वो गार कहाँ है उसके बारे में जो मेरी राय है वो मैं इस सीरीज में नहीं बता सकता, वो बहुत लंबी दास्तान है, मेरी अपनी राय है वो दीना मई है, मगर दैट हैज अ लॉट मोर एक्सप्लेनेशन, उसके लिए भी और भी तफसीलें खोलनी पड़ेंगी. बहरहाल जहाँ पे भी है वो, वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेट हो गई थी और वो गार जो थी वो एज इज जो है उसकी निशानी अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत तरीके से बता दी है कि इस बारे में शक में रहना चाहिए. अल्लाह ताला ने इतना बताया कि सूरज उसकी दाईं तरफ को छोड़ता था जब उठता था, और जब सूरज गुरूब होता था तो बाईं तरफ की तरफ मूव करता था. ये एक ऐसी एक्सप्लेनेशन है कि जिसके थ्रू मैंने बड़े एंगल्स में चेक किए हैं कि एक स्फीयर को, एक वेसल को, एक सिलेंडर को एक ओपनिंग दे के किस जगह पे रखूं कि मैं सूरज दाईं तरफ को छोड़ के निकलता है और बाईं तरफ को छोड़ के गुरूब होता है. इट डज नॉट रियली, मेरे दिमाग ने अभी तक उसको एडहियर किया नहीं. बहरहाल उसकी कहीं ना कहीं डिमेंशन तो सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे ये समझ आ जाएगी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है उसको सही तरीके से उसके मुताबिक अगर हम एक ऐसे वेसल को रखें, गार को मैं इस वक्त वेसल समझ के कह रहा हूँ, तो सन की जो ट्रेजेक्ट्री बनती है ओवर आवर होराइजन्स, तो वो अगर हम मैग्नेटिक पोल को रखें और फिर साउंड क्रिएट करें, तो गालिब गुमान यही है कि अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह हो. इसका मतलब अल्लाह ताला के यहाँ तुक्के नहीं है, एक एक लफ्ज बड़े ही अल्लाह ताला के विजडम से लिखा गया है. ये बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी निशानियाँ क्यों बताई हमें कि वो गार के ऊपर सूरज की क्या ट्रेजेक्ट्री थी, गार के अंदर कितने सौ साल खौफ क्यों तारी होना था, बाहर कुत्ता क्यों था, गार ही क्यों था, फिर बंदे कितने थे, फिर कितने सौ साल एग्जैक्ट अल्लाह ने बताए. सोचो ना, हम उसको एज अ सिंपल मौजज़ा क्यों नहीं दे सकते कि अल्लाह का मौजज़ा है कि वो 307 होते हैं. एक ही सूरत में तीन इकट्ठे मौजज़े अल्लाह ने कर दिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये मौजज़ों वाली जो सूरत है ना ये दज्जाल के दौर में पढ़ना, या ये समझ लें. समझ लें, ठीक है. अच्छा, दूसरा जो वाक्य है इसके बाद ज़ुल्क़रनैन का, थोड़ा सा मुझे बोलिए. दूसरा जो इसके बाद जो दूसरा वाक्य है, मैं समझ गया दूसरा जो वाक्य है ज़ुल्क़रनैन का जी, उससे हम उसमें हमें दज्जाल के लिए क्या प्रोटेक्शन मिलती है या उससे क्या सबक मिलता है दज्जाल इसका? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है. सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन मिलती है कि अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया कोई नबी नहीं था, वरना अल्लाह ताला नबी के बारे में खास तरीके का इंतखाब करते हैं. तो दज्जाल जब नबी होने का दावा करना है और वो ही सबाबा खोलने हैं ना, जो कि ज़ुल्क़रनैन खोल के आगे पीछे ट्रैवल करता था, क्योंकि दज्जाल ने पोर्टल खोलनी है वापस आने के लिए. सबाबा से आपको क्या मराता है, क्योंकि हम ये एज अ बेसिक जा रहे हैं. जी जी, मैं वो कुरान पाक ने ज़ुल्क़रनैन को जो पोर्टल का कहा है ना कि इसको आसमान पर जाने वाले रास्ते दे दिए थे हमने, उसका नाम सबाबा है ना कुरान पाक में. कुरान पाक में हर जगह पर सबाबा ही कहा है, सूरह सवाद में कहा, सूरह हज में कहा, सूरह गाफिर में कहा,
सूरह कहफ में कहा, ये सिवाय सूरह कहफ में वो भी एक जगह के ऊपर अल्लाह ताला ने दो दफा 85 आयत में और 86वीं आयत में इकट्ठा इस्तेमाल किया है। सूरह सौर ने भी इसी तरह इस्तेमाल किया, सूरह गाफिर में भी ऐसे इस्तेमाल किए, सूरह हज में भी ऐसे इस्तेमाल किए। सूरह कहफ में जब पहली दफा इस्तेमाल किया तो हमने उसका कोई और मतलब ले लिया, और जो दूसरी दफा इस्तेमाल किया तो उसका वही मतलब लिया कि रास्ते पे चल पड़ा। क्या मतलब लिया वैसे, कोई और जो मतलब क्या कह रहे हैं? जो मुतर्जुमे किए हैं ना उर्दू में और अंग्रेजी में, उसका इस्तदलाल मेरे पास तो नहीं है, वो कहाँ से लिए, क्योंकि सहाबा किराम तो मतलब नहीं लेते थे। बहरहाल उन्होंने मतलब ये लिया है कि इसको दुनिया में ताकत अता की। एक ज्यादातर तर्जुमा इस तर्जुमे के उर्दू पे कि ताकत अता की, दूसरा ये कि उसको आसाइशें दी थी, तीसरा ये कि उसको पूरी दुनिया में ताकत अता की। हम ज़ुल्क़रनैन का जिक्र कर रहे हैं जी, ज़ुल्क़रनैन को जब अल्लाह ताला ने कहा कि इसको हमने सबाबा दिया, ठीक है, मगर ये तीनों चीजों के ऊपर अल्लाह ताला ने साफ बता दिया अगली आयत में फात बाबा कह के वो फिर उस रास्ते पे चल पड़ा। पिछले आयत जहां पे खत्म होती है उससे अगली आयत जहां पे शुरू होती है, अचानक एक ही लफ्ज के दो अलग अलग जो मतलब लिए हैं, यकीनन उलमा किराम ने सोच समझ के लिए। मेरी समझ इस बात के ऊपर ठहरी हुई है कि जब कुरान पाक में कई जगहों के ऊपर ये लफ्ज उसी मतलब में आया है, ऊपर से मेरा तो शरह सदर हजरत जैद बिन साबित जैद बिन असलम पे हो गया जो ताबी है कि उन्होंने सहाबा से डायरेक्ट पढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा है सबाबा का सारे सहाबा कराम एक ही मतलब लेते थे और वो था आसमान पे जाने वाले रास्ते। तो आसमान पे जाने वाले रास्ते पोर्टल ही है ना, उस वक्त आसमान पे जाने का कोई स्पेस कैनेडी स्पेस सेंटर तो नहीं था ना कि जो स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में कह रहे हैं आसमान पे जाने वाले रास्ते। आसमान पे जाने वाले रास्ते का क्या मतलब है? मेरे ख्याल से हम ज़ुल्क़रनैन का जो वाक्य है ना उसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, मगर मैं इसको दज्जाल से निस्बत दे दूं कि इसका फायदा क्या है। तो दज्जाल चूंकि वापस आने के लिए टाइम ट्रैवल तो करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि टाइम ट्रैवल हज़रत तमीमुद्दारी से मिल चुका है वो, तो टाइम ट्रैवल तो करता है। तो जिस पोर्टल के थ्रू टेलीपोर्ट करता है वो उसी पोर्टल को वो खोलेगा। जब वो पोर्टल खोलेगा मेरा गुमान ये है कि फिर वो पोर्टल्स जो है ना वो बाकी लोग भी खोल सकेंगे अकॉर्डिंग टू हूएवर ही इज गोइंग टू शो हाउ टू, एंड मुस्लिम्स जिनको पता होना चाहिए कि हाँ ये इसने खोली है तो हमें भी इसी रास्तों से निकल के भागना है। उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल ज़ुल्क़रनैन का क्या काम है? ज़ुल्क़रनैन को अल्लाह ताला ने जब सबाबा दिया तो साथ ही हमें बता दिया कि ज़ुल्क़रनैन नबी नहीं, कोई मुसलमान उसको नबी नहीं मानता। तो जब उसने ये कहना है कि भाई ये देखो मेरे पास कहाँ का आसमान पर जाने वाले रास्ते हैं, समझ रहे, मैं देखो कैसे ऊपर से नीचे आया, ईसा बन के आना ना उन्होंने, ईसा अलैहिस्सलाम बनना है उस दज्जाल ने। तो मुसलमानों को पता होना चाहिए कि तूने क्या आसमान पे हवा में कलाबाजियां लगा ली हैं, ज़ुल्क़रनैन ने क्या था, इससे कौन नबी साबित होता है? क्योंकि उसने पहला क्लेम ही करना है अल्लाह सिर्फ नबियों को मिराज देते हैं भाई, हालांकि कुरान पाक ने बता दिया कि ज़ुल्क़रनैन नबी नहीं था, इसको भी दिए थे हमने रास्ते ऊपर के, ठीक है। सो ये तो ज़ुल्क़रनैन का सबसे पहला काम है। दूसरा ज़ुल्क़रनैन का जो काम है वो दज्जाल नहीं है और याजूज माजूज है, ठीक है। तो सूरह कहफ में जो ज़ुल्क़रनैन का किस्सा है वो पोस्ट दज्जाल भी हमें कवर कर रहा है। बहरहाल इसे एक और जो चीज़ निकल आती है वो ये कि जो इंटरगैलेक्टिक पोर्टल्स हजरत ज़ुल्क़रनैन ने बंद कर दी थी ना, दज्जाल ने वो पोर्टल खोलनी है, क्योंकि वो दीवार जो है ना ज़ुल्क़रनैन की वो उसी रास्ते के गिर्द बनाई है जिस रास्ते से ये लोग ये मखलूकात आगे पीछे ट्रैवल करती हैं। तो दज्जाल भी उसी रास्ते से बंद कर रहे हैं। मेरा तो गुमान यही है कि वो दज्जाल की एग्जिट और एंट्री की दीवार है, जैसे ही उन्होंने दज्जाल ने खोलना है वो दरवाज़ा तो याजूज माजूज की भी दीवार खुल जानी है, क्योंकि दज्जाल के फौरन बाद याजूज माजूज का ही निशानी है। हज़रत ईसा का ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है दुनिया में, उन्होंने एक ही अपने दौर में दज्जाल भी फारिग करना है और याजूज माजूज भी फारिग करने हैं, और उसके बाद हुकूमत भी करनी है, और उसके बाद फौत भी होना है। तो इसका मतलब है ये पहले लेग के अंदर अंदर ये सारा काम होना है याजूज माजूज और दज्जाल का। सो इससे हमें कुरान में कहाँ पता चलता है कि उन्होंने ट्रैवल किधर किया है ज़ुल्क़रनैन? क्योंकि हमने जो वाक्य मैंने जिस तरह सुना हुआ उसमें तो ये है कि एक कौम का वाक्य है, पहले एक कौम एक तरफ गए दूसरी तरफ गए, दोनों कौम के एक को ज़ुल्क़रनैन का वाक्य मैं आपको सुना रहता हूँ। पहले ज़ुल्क़रनैन को पहले तो उस लफ्ज़ के ऊपर हम ठहर जाए ना कि वो सबबा का जो लफ्ज़ है ना वो दुनिया का रास्ता है कि नहीं।
अगर तो दुनिया का रास्ता नहीं है, मेरा असल में कहने का मतलब ये हम लफ्ज कहाँ पे वो लफ्ज कहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। देखें सबबा वाक्या इसलिए बताना जरूरी है कि वाक्या बताता हूँ मगर कौन सा लफ्ज कहाँ पे सबबा जो है सबबा किधर कौन से टाइम पे सबबा को हम यूज कर रहे हैं जहाँ पे जुल्म करने ने ट्रेवल किया हिस्ट्री में कुरान में हमें तो यही पता है ना कि वो दो कौमों के पास गए इसी दुनिया की तीन कौमों के पास गए इसी दुनिया में कहा था कि यजूद मजूद का मसला चल रहा है बिल्कुल ठीक है तो इस दुनिया में तो नहीं जा सकते ना समझ लें वो इस दुनिया में ये पहले ये मफलूजा लेके चलते हैं जो कि उलमा कराम इस वक्त तो बड़े ऊंचे नकारे बजा रहे हैं कि इसी दुनिया में गए कोई आर्मेनियन ज्यूज को कह रहा है शेख इमरान ने पूरी तफसील लिख दी है कि वो आर्मेनियन ज्यूज हैं